అలంపూర్ ప్రజా గర్జన సభలో కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం मुझे तेलुगु में भाषण करना नहीं आता, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि जो तकरीर अभी विजय शांति जी ने किया वैसा तकरीर मुझे तेलुगु में अगर आता था तो मैं भी करता था, लेकिन मुझे चंद बातें हिंदी में करना है, इसीलिए हमारे कैंडिडेट और आपके सबके चाहते नेता विजय शांति जी, मंदा जगन्नाथ एक्स एमपी, प्रकाश रेड्डी एक्स एमएलए, मल्लू रवि एक्स एमपी, चिन्नारेड्डी एआईसीसी सेक्रेटरी, रघुमूर्ति एमएलए ऑब्जर्वर कर्नाटका, मंसूर अली खान सेक्रेटरी, और इस मंच पर बैठे हुए नेतागण और कार्यकर्ता, किसान भाइयों, माताओं, युवा मित्रों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव बहुत ही महत्व का चुनाव है। ये चुनाव हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने गरीबों की जमीनें छीन ले रही है, वैसों के खिलाफ भी इलेक्शन चल रहा है। जो आप लोग डेवलपमेंट चाहते थे वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना रोड ठीक है, ना इरिगेशन हुआ, ना स्कूल ठीक हो रहे, लेकिन केसीआर मस्त में अपने फार्म हाउस में बैठकर सब फैसला लेते हैं, लोगों को कभी मिलते नहीं। जो आदमी लोगों को नहीं मिलता, जो लोगों में नहीं रहता, आप उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार संपत, हमारे जो एक्स मिनिस्टर एमएलए, इसको आप चुन के लाइए। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अगर आ गई तो सारे देश में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा शान बढ़ेगा, और तेलंगाना हमेशा कभी तेलंगाना हम जीतते हैं तो ऑल इंडिया पार्टी भी हमारी हिंदुस्तान में जीतती है। నేను చెప్తా చెప్తా ఒక నిమిషం తెలుగులో చెప్పాలి కదా, చెప్తా సార్ ఏమంటున్నాడంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అయితే విజయం సాధిస్తుందో ఇక్కడ గెలుస్తుందో